In YDSCF, I naught be the intensity of central bright fringe, and beta is the fringe width. Then find intensity as a function of distance x from the central bright fringe. Find intensity as a function of distance x from the central bright fringe. हमें ऐसे दिया, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंटर, यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है, यहां पे इंटेंसिटी बताना कितनी होगी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन. फाइंड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन. क्वेश्चन समझ आ गया क्या पूछा है? सेंट्रल फ्रिंज. We can say that. For central maxima. ये हमें गिवन है I नॉट. फेस डिफरेंस कितना है अगर सेंटर स्क्रीन से डिस्टेंस x है? अगर सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिस्टेंस x है तो फेस डिफरेंस कितना है? हमारे पास ये रिलेशन होता है, पाथ डिफरेंसेस सो वी कैन से एट अ डिस्टेंस x, इसकी जगह x दी है उसको पाथ डिफरेंस ले लो. सो अगर डिस्टेंस एक्स है तो पाथ डिफरेंस इज एक्स डी बाई डी. फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स डी बाई डी. अब ये हमने ड्राइव किया था पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कि पाथ डिफरेंस इज वाई डी बाई डी. फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन है. इसको मैं बीटा की टर्म्स में लिखूं तो ये क्या बन रहा है? एक्स वाई नहीं. अगर मैं इसको बीटा की टर्म्स में लिखूं, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी इज बीटा, तो ये क्या बना? 2 पाई एक्स बाय बीटा.
ये आंसर है। इसको लिखना है डिटेल में तो मैं नीचे लिख देता हूँ बिकॉज at a distance x from center, ये हमने जब यंग्स डबल स्लिट की डेरिवेशन की थी तो ये ड्राइव किया था फॉर्मूला। सो ये मैंने वैल्यू डाल दी फाइव की इधर इस फॉर्मूला में। हमें बताना था आई नॉट की टर्म्स में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर, फोर ए इज आई नॉट, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाय बीटा, वेयर आई नॉट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। आप बट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, मतलब इसको रट भी सकते हो, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन बिकॉज ये आपका एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा काम आएगा फॉर्मूला जब एमसीक्यूज करोगे, क्योंकि उन्होंने एक्स बीटा की टर्म्स में दिया होता है कि एट अ डिस्टेंस बीटा बाय थ्री निकाल दो, बीटा बाय फोर निकाल दो, बीटा बाय टू निकाल दो, तो जब एक्स की वैल्यू बीटा की टर्म्स में पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रहा है सबको? सर इसमें आई क्या है, मतलब आई नॉट तो सर आई इज इंटेंसिटी फॉर वन वेव। ऊपर लिखा ना, सबसे पहले ऊपर देखो मैंने यही लिखा था कि दोनों के कारण जो इंटेंसिटी है वो सेम है, आई वन इज इक्वल्स टू आई टू इज इक्वल्स टू आई। नेक्स्ट यू राइट, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा इंटरफेयर, two coherent sources with intensity ratio beta interfere, find the value of इस टर्म को वैसे कई बार फ्रिंज विजिबिलिटी भी बोलते हैं, so you have to find the value of fringe visibility, I maximum minus I minimum over I maximum plus I minimum। दोनों सोर्सेज के इंटेंसिटी सेम नहीं है, हमें इंटेंसिटी रेशियो बीटा गिवन है, यू हैव टू फाइंड आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम ओवर आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इफ इंटेंसिटी रेशियो इज बीटा, सो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ बीटा। करो सॉल्व इसको, मतलब आई वन बाय आई टू की रेशियो दी है कि आई वन बाय आई टू की रेशियो है वो बीटा। हाँ जी पूछो, इसको और क्या कहते हैं, फ्रिंज, फ्रिंज विजिबिलिटी। तो अगर सिर्फ स्कूल एग्जाम में ये भी लिखते हैं कि फ्रिंज विजिबिलिटी निकालो तो यही निकालनी होगी।
क्या आ रही है वैल्यू? टू रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, बीटा प्लस वन, ठीक है। अब इसको जनरल सॉल्व कर दो ना, इंटेंसिटी रेशियो लास्ट में पुट कर देंगे। टू रूट बीटा बाय बीटा प्लस वन, वी कैन से आई मैक्स अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो यू गेट इक्वेशन को आई टू से डिवाइड कर दो। आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू पुट करके लास्ट में आई टू से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है, टू अंडर रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। Next to it. In YDSC, the slits have different widths. In YDSC, the slits have different widths such that amplitude of the wave, from two slits are A and 2A respectively. Such that amplitude of waves from two slits are A and 2A respectively. If I naught is the maximum intensity of interference pattern, then find intensity at a point where phase difference is phi. If I naught is the maximum intensity, then find intensity at a point where phase difference is phi. Sir, last time. If I naught is the maximum intensity, find intensity at a point where phase difference is phi. Sir. I not by 9 into 5 plus 4 plus 5. ये हो सकता है ऑप्शन, ये ऑप्शन हो सकती है।
हमारे को दिया दैट एक का एम्पलीट्यूड है, एक का टू है, मैक्सिमा इसकी वैल्यू दिया है नॉट यही आ रहा आंसर सबका यस सो आई नॉट बाय 9 5 प्लस 4 कॉस 5 नेक्स्ट लिखो नोट करना next yes. Consider the optical system shown in figure. Consider the optical system shown in figure. The point source of light S is having wavelength equal to lambda. The light is reaching the screen only after reflection. For point P to be second maxima, find the wavelength. For point P to be second maxima, find the wavelength. ठीक है हमें ऐसे दिए हैं
because as shown in figure. हमें डिस्टेंसेस दिए हैं और हमें ये कंडीशन दी है पॉइंट पी पे अगर सेकेंड मैक्सिमा बन रहा है यू हैव टू फाइंड द लैम्डा फाइंड लैम्डा इफ देयर इज सेकेंड मैक्सिमा एट पॉइंट पी फाइंड लैम्डा इफ देयर इज सेकेंड मैक्सिमा एट पॉइंट पी कैसे करें इसको Light is reaching point P after reflection only. सर हमें फर्स्ट मैक्सिमा बताया कहाँ पे बन रहा है क्या चीज सर हमें फर्स्ट मैक्सिमा बताया कहाँ बन रहा है नहीं कुछ नहीं बताया सिर्फ ये दिया है कि सेकेंड मैक्सिमा पी पे बन रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव पहुंचनी है पी पे इट्स नॉट रीचिंग डायरेक्ट इट्स रीचिंग पॉइंट पी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इसमें मैं पूछूं सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा किधर पॉइंट पी से ऊपर पॉइंट पी से नीचे सेंट्रल मैक्सिमा किधर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता है जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाए हमें का ये सोर्स है अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं तो पाथ डिफरेंस जीरो आ सकता है आफ्टर रिफ्लेक्शन
प्रैक्टिकली जब लाइट ने रिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट पे पहुंचना है, ड्रॉ ना करना समझाने के लिए बता रहा हूं। हमें कहा लाइट इज रीचिंग द स्क्रीन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो मान लो एक लाइट इधर से गई, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज सम पॉइंट, यहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होके गई है एंड इट फॉर्म्स इमेज से पी वन। एक लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होके गई इन दोनों में पाथ डिफरेंस जीरो हो सकता है कभी भी, बिकॉज इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने कम किया, तो जीरो कब होगा? अगर हम नीचे को लें थोड़ा सा पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा, कि अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं इट विल बी फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर। ओके, जब एक लाइट इधर से आई और रिफ्लेक्ट होके इधर पहुंची, दूसरी लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होके, तब पार्ट डिफरेंस जीरो हो सकता है। ये डिस्टेंस 3D दिया, मैं रिफ्लेक्टेड लाइट को एज्यूम कर सकता हूं कि वो इस सोर्स से आ रही है S2 से, और ये वाली लाइट को एज्यूम कर सकता हूं कि ये S1 से आ रही है, कर सकता हूं या नहीं कर सकता? S1 और S2 में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S1 और S2 में डिस्टेंस 8D. गुड एनफ। S1 और S2 में डिस्टेंस हो गया 8D। आप में से कोई मेरे को ये डिस्टेंस बता सकता है ये कितना होगा? सिमेट्री के हिसाब से चलो, ये डी था, ये 3D था। सिमिलरली दूसरे केस में ये 3D और ये डी होगा, तभी पार्ट डिफरेंस जीरो आएगा। अगर ये डिस्टेंस डी हो और ये 3D हो, सिमेट्रिक फिगर है ना, ये डी ये 3D, दूसरी साइड पे ये 3D और ये डी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगा के मैं प्रूफ कर सकता हूं। तो हमें इस पॉइंट में बताना है सेकंड मैक्सिमा कब बनेगा। यंग्स डबल स्लिट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, पाथ डिफरेंस एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम सेंटर, सेंट्रल मैक्सिमा यू कैन से। फॉर्मूला क्या था? भी पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज किया है, एन डी लैम्डा बाय डी, वाई डी बाय डी। इस केस में वाई कितना है और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स कितना है? यही बन रहा है फॉर सेकेंड मैक्सिमा।
तो लैम्डा कितना? आंसर था, ध्यान से देखो एक बारी डायग्राम भी और थ्योरी पार्ट भी। क्लियर है सबको? बेसिकली ये जो डी और थ्री डी किया है ना, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस ये तो होगा, अगर एस वन हो और एस टू हो इक्वल हो, ये डिस्टेंस थ्री डी है, ये डिस्टेंस डी है। एस वन हो और एस टू हो इक्वल तभी होंगे अगर ये डी और ये थ्री डी होगा। और उसका मैंने फिर यूज कर लिया कि सेकेंड मैक्सिमा एट पी की कंडीशन लगा दी। देखो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये एम्स का प्रीवियस ईयर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं कि एक लाइट तो डायरेक्ट पहुंचे और एक रिफ्लेक्टेड पहुंचे, तो फिर क्या चेंज करना पड़ेगा? इनिशियल फेज डिफरेंस भी लेना पड़ेगा। कैसे? सर एक को हम एफ से मानेंगे और एक को सर मतलब करस्पोंडिंगली उससे मिरर की सोच। ये जो मैं ले रहा हूं अभी, अभी दोनों रिफ्लेक्शंस थी तो मैंने कुछ किया नहीं। नॉर्मली जो पाथ डिफरेंस होता है व्हेन वन ऑफ द वेव इज कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज डायरेक्ट, उसको हम नॉर्मली कहते हैं, जैसे लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट था एक। लॉयड्स मिरर सिलेबस में नहीं है हमारे, इनिशियली पहले होता था किसी जमाने में। लॉयड्स मिरर का सेटअप ना ऐसे होता था, बिकॉज ये उसी टाइम के क्वेश्चन है। लॉयड्स मिरर इस तरह का सेटअप था कि मेरे पास ये एक मिरर है और ये स्क्रीन है, ये सोर्स है तो एक तो लाइट स्क्रीन पे, डायरेक्ट लाइट कहां से कहां तक हो सकती है? अगर मैं इसको स्क्रीन को बनाता हूं, अगर मैं इस सोर्स से डायरेक्ट लाइट की बात करूं, तो इट विल बी प्रेजेंट इन दिस रीजन। डायरेक्ट लाइट स्क्रीन के टॉप तो कहीं तक भी जा सकती है, डायरेक्ट लाइट सिर्फ इसी रीजन में होगी जो सोर्स से डायरेक्ट आ रही है। जो सोर्स से डायरेक्ट आ रही है वो सिर्फ P1 से P2 तक होगी। P2 टॉप ऑफ स्क्रीन है, वो जितने भी ऊपर तक। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितने रीजन में होगी? तो रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर मैं बनाऊं, तो एक तो मिरर के इस एंड से रिफ्लेक्ट हुई एंड इट गोज लाइक दिस, और एक मिरर के दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट हुई तो इंटरफेरेंस किस रीजन में होगी? सिर्फ इस रीजन में, बिकॉज ये वो रीजन है जहां पे दोनों वेव्स प्रेजेंट है। P3 से P4 तक रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, P4 के ऊपर भी रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट P3 से P4 तक है, डायरेक्ट लाइट P1 से P2 तक है, तो इस रीजन में इंटरफेरेंस हो रही है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, इसको मैं अज्यूम कर सकता हूँ इट्स कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, इसको S1 मान लिया और रिफ्लेक्टेड लाइट को S2। सो यू कैन अज्यूम रिफ्लेक्टेड लाइट इज कमिंग फ्रॉम S2।
कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो इस सोर्स से आ रही है। अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया मान लो यहाँ पे, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2O माइनस S1O, पाथ डिफरेंस यही होगा, एक S2 से O तक, एक S1 से O तक। बट अगर मैं बोलूं अगर S2O माइनस S1O लैम्डा है, तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा? अगर पाथ डिफरेंस S2O माइनस S1O लैम्डा के इक्वल है, तो मैक्सिमा या मिनिमा? सर मिनिमा बनेगा। क्यों सर? क्योंकि लैम्डा बाय 2 उसका भी होगा, मतलब तो कैसे चेंज करें सर? मतलब मिरर की वजह से मैक्सिमा कब बनता है? व्हेन पाथ डिफरेंसेस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, वेरी गुड। ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन के कारण एक और पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाय 2 का, तो टोटल पाथ डिफरेंस इज 2n लैम्डा बाय 2। तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस S2O माइनस S1O, ये मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। सिमिलरली मिनिमा की कंडीशन अगर मैं निकालता इसमें, मिनिमा की कंडीशन थी हमारी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, प्लस 1 भी लिख सकते हो इफ n स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो S2O माइनस S1O इज मतलब लॉयड्स मिरर अगर उन्होंने लिख दिया इंटरफेरेंस में, तो कंडीशंस बदल जाती हैं। फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, एंड फॉर मिनिमा इट्स इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। समझ में आ रहा है क्या बताया? ये कंडीशन कहाँ से आई? पाई का फेज डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिडेंट फिक्स्ड हमेशा। मैं अगर आपसे बोलूं मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, denser, और इसके दोनों सर्फेसेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब यहां से लाइट आई, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड रिमेनिंग गेट्स रिफ्रैक्टेड। इस सर्फेस पे दोबारा पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, पार्ट इज रिफ्रैक्टेड, इधर फिर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, ऐसे चल रहा। से ये फर्स्ट बीम, ये सेकेंड बीम, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर फर्स्ट और सेकेंड में इंटरफेरेंस होगी, तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन सेम रहेंगी या बदलेंगी? बदलेंगी। अगर मैं फर्स्ट बीम को देखूं, ये एक ही बार रिफ्लेक्ट हुई है, सेकेंड बीम जो है यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर से रिफ्रैक्ट हुई, और फिर बाहर। जब यहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, फेस चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। रिफ्लेक्शन में फेस चेंज तब होता है जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पे फेस चेंज होगा, पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा बाय 2 का, इधर नहीं आएगा। तो ये देने तो ज्योमेट्रिक पाथ ही कवर किया, इसमें कोई एडिशनल नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं थर्ड और फोर्थ की बात करूं, इस रे में कोई फेस चेंज आया थर्ड में इधर से यहां तक आने में? ये रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट तो हुई नहीं थर्ड बीम। यस ना, थर्ड कहां रिफ्लेक्ट हुई? थर्ड तो इधर रिफ्रैक्ट हुई, फिर इधर रिफ्रैक्ट हुई, फिर बाहर आ गई। रिफ्रैक्शन में तो फेस चेंज होता ही नहीं। फोर्थ की बात करें, फोर्थ का पाथ देखो क्या था, वो पहले बीम इधर से आई, इधर फेस चेंज हुआ या नहीं हुआ रिफ्रैक्ट हुई तो? नहीं हुआ। नहीं हुआ।
जो फोर्थ का ये पार्ट है तो कहीं पे फेज चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब इनकी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस वही है जो नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट की है। इधर बिकॉज फेस चेंज हो रहा है, इधर कंडीशंस लॉयड्स मिरर वाली लगेंगी। लॉयड्स मिरर वाली मतलब मैक्सिमा के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, मिनिमा के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू। और थर्ड और फोर्थ जब इंटरफेयर करेंगे तो थर्ड और फोर्थ में होगा कि मैक्सिमा के लिए इवन मल्टीपल, मिनिमा के लिए ऑड मल्टीपल। जब इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रैक्टिकली देखा कभी आपने? कभी पानी पे ऑयल गिरा देखा? वो कलर्ड पैटर्न सा एक नजर आता है। मतलब फ्लोर के ऊपर जैसे पानी है उसके ऊपर थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स गिरा दो तो आपको एक कलर्ड पैटर्न नजर आता है जब लाइट उस पर फॉल करती है। तो दैट इज बेसिकली दिस थिंग, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स बोलते हैं इसको, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट में इंटरफेरेंस हो रही है। वो एक पैटर्न बन गया, जो नॉर्मल ऑयल था जो जिसका कोई कलर नजर नहीं आ रहा था हमको, पानी में गिरने के कारण वो रिफ्लेक्टेड बीम्स में इंटरफेरेंस होने लग गया और वो एक पैटर्न बन गया कलर्ड रिंग्स का। नहीं ऑब्जर्व किया तो नेक्स्ट टाइम कभी देखना, पानी के ऊपर ऑयल गिरा गया एंड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट एंड वाइट लाइट नॉट मोनोक्रोमैटिक इट फॉर्म्स अ पैटर्न। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो अभी मैंने बताया कि अगर ट्रांसमिटेड बीम्स हैं, मतलब जो वन और टू है उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड बीम्स, और जो थ्री और फोर्थ है ट्रांसमिटेड बीम्स हैं। तो ट्रांसमिटेड बीम्स में कंडीशन सेम रहनी है या रिफ्लेक्टेड में? थ्री एंड फोर्थ आर ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिटेड बीम में मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन वही रहेंगी जो YDS में है, रिफ्लेक्टेड बीम में मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बदल जाएंगी। अभी नहीं भी चाहिए होगा बट जब कॉम्पिटेटिव प्रिपेयर करोगे सीरियसली, जब उसी पे फोकस हो जाएगा तो ये ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए। अभी तो चल जाएगा, स्कूल एग्जाम में ये सब नहीं आता ट्रांसमिटेड बीम रिफ्लेक्टेड बीम, और जब आप किसी भी बुक के एमसीक्यू शुरू करोगे, इनफैक्ट ये कंपटीशन के सिलेबस से भी वैसे तो ऑफिशियली हट चुका है बट इस पे क्वेश्चन वो फिर भी डाल देते हैं। तो इसलिए आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। लॉयड्स मिरर में हम पाथ डिफरेंस कंडीशंस बदल देंगे, इसमें रिफ्लेक्टेड में बदल देंगे, ट्रांसमिटेड में सेम रखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ waves. So diffraction of waves करेंगे. It's a special case of superposition of waves only. So इसको आज वाले को देख लेना, एक बार कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना मेरे से, because कुछ नई चीजें बताई हैं जो normal books में शायद नहीं भी हो, पुरानी books में मिलती हैं, but एक बार सुन लेना दोबारा से अगर lecture सुनना पड़े तो। Excuse me sir. हाँ जी सर, हमने मिरर में सर कैसे मतलब मतलब बताएंगे कि मतलब रेयर है कि सर डेंसर है, किस तरह से हम मान लेते हैं कि मतलब अब जैसे स्लैब है तो जो फर्स्ट रे आ रही है वो एयर से ग्लास जा रही थी और रिफ्लेक्शन हुई, तो रिफ्लेक्शन किस हुई, ग्लास से या एयर से? जो फर्स्ट बीम है उसको ग्लास ने रिफ्लेक्ट किया है या एयर ने रिफ्लेक्ट किया है? ग्लास ने, तो ग्लास डेंसर है तो वहां फेस चेंज होगा। Whereas जो नीचे वाला पॉइंट जो मैंने सर्कल बनाया था वहां पे रिफ्लेक्शन एयर से हुई है, जब लाइट ग्लास से एयर में जा रही थी तो एयर ने रिफ्लेक्ट कर दी, तो वहां फेस चेंज नहीं होगा। सो आपको देखना पड़ता है कि रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम में है तो फेस चेंज करना है, रेयरर में है तो नहीं करना। ये 11th में वेव्स में पढ़ा था, 11th में वेव्स में कैसे पढ़ा था, अगर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम फिक्स्ड एंड तो हम फेस चेंज करते थे, और अगर ओपन एंड हो तो नहीं करते थे। सोनोमीटर में करते थे या नहीं करते थे? सोनोमीटर में करते थे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी करते थे, ओपन ऑर्गन पाइप में नहीं करते थे। सर इसमें मतलब हम ग्लास को फिक्स्ड एंड मान रहे हैं और एयर को ओपन एंड? हाँ, एयर को आप ओपन एंड मान लो। ओके सर, समझ गया। हाँ जी सर, आपने जो टेस्ट अपलोड किए हैं वो उसमें एमसीक्यू उसी में मार्क करना होगा कि रिटन में देना? नहीं नहीं, उसी में मार्क होंगे वो। और सर दो टेस्ट हैं आ चुके?
आज के दो टेस्ट नहीं है, एक ही टेस्ट है। दूसरा टेस्ट तो सबको शो नहीं हो रहा होगा, वो किसी के ऐप में प्रॉब्लम आई थी, वो मैंने एक स्टूडेंट के लिए दूसरा टेस्ट अपलोड किया था। वो दोनों सेम ही टेस्ट है, जो वेव ऑप्टिक्स क्विक टेस्ट लिखा हुआ है वो एक ही टेस्ट है। और सर ये वाला चैप्टर और कितना चलेगा अभी? डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एटलीस्ट 3-4 क्लासेस और। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उसमें डाउट हो रहा था वो टेस्ट का। आप क्या सेवंथ ना, मैं देख लेता हूँ फिर मैं आपको मैसेज करता हूँ देख के। सर सेवंथ और एट्थ दोनों में था एक बार। दो है सेवंथ और एट्थ, ठीक है देख लेता हूँ सर।